हाय गाइस, यू आर वाचिंग कवर लाइव। कैसे हैं जनाब आप सब? मैं हूँ कुछ बेटर, कुछ बेहतर और कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है आस्ता आस्ता। आज कोविड टेस्ट दोबारा करवाना है, पता चलेगा नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव, तो जनाब कोविड आज टेस्ट दोबारा करवाने जाएंगे। तो ये जनाब मैंने चिकन निकाल के फ्रिज से रखा है और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें सारी की सारी लेग पीसीस हैं। और ये जनाब मैं इसके बनाऊँगी राइस, लेकिन अभी तो मैंने पानी डाला कि ये हो जाए मेल्ट। और दूसरी तरफ जनाब मैं बनाने लगी हूँ खुद के लिए मिल्क शेक, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हुआ कि शेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए और फ्रूट्स ज़्यादा खाएं ड्यूरिंग कोविड, ताकि आपकी वीकनेस ख़त्म हो। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे मैं लगा चुकी हुई हूँ मशीन। यहाँ पे मैंने जो है वो एक ग्लास जो है वो ऑलमोस्ट जो लिया है मिल्क, और ये मिल्क जो है, ये मिल्क है आपका जो मिल्क पैड मिलते हैं उनका, वो वाला खुला दूध जो होता है वो यहाँ पे तो वैसे मिलते ही नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको पैकिंग्स में ही हर चीज़ मिलती है। और ये लिए हैं जनाब मैंने बनानास, क्योंकि बनाना डेट शेक मैं बनाने लगी हूँ खुद के लिए, तो ये जनाब मैंने बनानास लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे बनानास, तो जनाब यहाँ बनानास भी ऐसे ही हैं यूए में। साथ में मैंने कुछ ली हैं डेट्स, और साथ में ली है शुगर, और साथ में ली हैं एलमंड्स। तो ये सारी चीज़ें जनाब मैं डाल के बनाऊँगी शेक आपके सामने, अभी देखते हैं। अगर आपको भी पीना है, आपको भी मुझे ज्वाइन करना है, तो जनाब ज़रूर आएँ, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो जनाब सबसे पहले जो है हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो जनाब यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं मिल्क। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ मिल्क। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बनाना। तो बनाना जनाब ऐड करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ बनाना, और ये तो इतने बड़े बड़े बनाना, मेरे ख्याल में ये एक ही काफ़ी है, इसके लिए दो की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने बड़े बड़े बनाना चाहिए। तो इसको जनाब करते हैं कट। तो जनाब ये देखिए, मैं जो है वो बनानास छील चुकी हूँ, और मैं इसमें डाल दूँगी मिल्क में, और मेरे ख्याल में एक ही बनाना काफ़ी है, या क्योंकि ये है ही बहुत बड़ा, तो इसमें डेट्स भी डालनी है बनाना भी, और साथ में आपने इसमें एलमंड्स भी डालने हैं। तो जनाब ये मैंने एक इसमें बनाना ऐड कर दिया है। अब मैं जनाब इसमें ऐड करूँगी डेट्स, और ये जनाब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डेट्स। डेट्स के ये जो अंदर वाली चीज़ है जिसे गुठली कहते हैं, वो मैंने निकाल दी है, और जनाब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डेट। बहुत अच्छा होता है ये मिल्क शेक, आपकी वीकनेस दूर करता है। जब आपको फील हो कि आप वीक हो रहे हैं, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो जनाब आपको ये काफ़ी बेनिफिट देगा। और जनाब अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ शुगर। तो शुगर मैं थोड़ी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और जनाब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलमंड्स, और ये जनाब मैंने इसमें ऐड कर दी है एलमंड्स। तो जनाब अब हम चलाएंगे मशीन को, और बाहर आप देख सकते हैं कि बाहर बच्चों ने लगाया हुआ है टीवी, और जनाब बच्चे टीवी इंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो अब जनाब हम इसको चलाते हैं। तो जनाब मैं इसमें मैंने ऐड किए हैं 1.5 बनाना, और अब जनाब मैं इसको चलाने लगी हूँ। जनाब ये हो चुका है हमारा रेडी बिल्कुल शेक, बनाना डेट शेक, और इसको जनाब अब हम सर्व करेंगे, इसको हम जनाब पियेंगे। तो जनाब अगर आपने भी पीना है, तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, मैं इसको डालने लगी हूँ ग्लास में, और जनाब मैं पीऊँगी ये तकरीबन 1.5 ग्लास हमारा बन चुका हुआ है। तो इसको जनाब पीते हैं आप और इंजॉय करते हैं।
यहाँ जना बैठ जाते हैं। तो जनाब ये हमारा जो है वो डेट शेक जो है वो तैयार हो चुका हुआ है, बनाना डेट शेक, और अब हम इसको पीते हैं। तो ये देखें जनाब, मैं जो है वो शेक जो है वो पी चुकी हुई हूँ। बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। आप भी बनाएं, ट्राई करें, आपको भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आपको फील हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ जो है वो कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा PCR जो है वो पॉजिटिव आ गया था, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल मेरा बहुत कम है। तो अब जनाब आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ेगा, बूस्ट करेगा, जैसे जैसे जो है वो डाइट मैं अपनी अच्छी करूँगी, और जैसे जैसे फ्रूट्स खाऊँगी, जैसे जैसे वेजिटेबल्स खाऊँगी। तो होपफुली जनाब आज आपसे चैट करके बहुत अच्छा लगा, होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। तो जनाब मिलेंगे अपनी कल की वीडियो में, कल की वीडियो में चिट चैट होगी। और आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा जनाब कि आप सब कैसे हैं, कैसा गुजर रहा है टाइम, और क्या चल रहा है आजकल पाकिस्तान में। तो जनाब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।